अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां कार्तिक मेले में गुंडों ने बहन को छेड़ा और भाई की हत्या कर दी। घटना के 48 घंटे बाद ही उज्जैन में छेड़खानी की दूसरी घटना सामने आ गई। गुंडों ने 20 साल की एक छात्रा को घर में घुसकर पीट दिया। मारपीट में छात्रा की नाक की नली फट गई। विवाद छेड़छाड़ करने से रोकने को लेकर हुआ। गुंडों ने पहले छात्रा को घूरा, फिर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर अपने 10 से 15 साथी बुलवाए और छात्रा के घर पर पथराव कर दिया। दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और पूरे परिवार को जमकर पीटा। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उससे जो घटना बताई वह लिखी है। कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी की बुधवार रात 11:45 पर यह घटना हुई है। इसी एरिया में रहने वाले आशीष रघुवंशी और उसके साथियों ने छात्रा के पूरे परिवार पर इसने हमला किया, क्योंकि उसने घर के बाहर खड़े होकर अपशब्द कहने पर उन्हें टोका था। टोकने पर उन्होंने उसे घूरा और छेड़छाड़ भी कर दी। गुंडों ने युवती को इस कदर पीटा कि उसकी नाक की नली फट गई। खून बहना बंद नहीं होने पर उसे माधव क्लब मार्ग स्थित निजी अस्पताल के ICU वार्ड में एडमिट कराना पड़ा। माँ पिता समेत भाई भी घायल हैं, इन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मारपीट की धारा में केस दर्ज किया है। छात्रा के मामा ने बताया, भांजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। रात को घर के बाहर गुंडे खड़े होकर खिड़की की तरफ झांकते हुए अपशब्द कह रहे थे। ये देख भांजी बाहर निकली और बोली, भैया यहाँ क्यों खड़े हो? आशीष रघुवंशी बोला, तेरे लिए खड़े हैं, बोल क्या करेगी? भांजी ने आवाज देकर भाई को बुलाया। भांजा बाहर आया। भांजी ने कहा, भाई ये अपशब्द कह रहे हैं। भांजे ने उनसे कहा कि क्या तकलीफ है? इस पर गुंडों ने कहा कि आज तेरी बहन को उठाकर ले जाएंगे और पार्टी करेंगे। ये सुन परिवार आवेश में आ गया। हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। गुंडे वहां से गए और कुछ मिनट बाद वापस 15-20 साथियों के साथ लौटे। घर पर पथराव कर दिया। दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गए, पूरे परिवार को पीटा। घर वालों ने 100 डायल पर कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। हमने 2 घंटे माथापच्ची की, तब सिर्फ मारपीट की रिपोर्ट लिखी। छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई। भांजी की नाक की नली फट गई और ब्लड नहीं रुक रहा, उसे ICU में भर्ती कराया गया है। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने कहा, जो घटना बताई है वही रिपोर्ट लिखी है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई। छेड़छाड़ के बारे में नहीं बताया, मारपीट की घटना है। परिवार जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो FIR के अतिरिक्त दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। वे फरार हैं और उनके घर पर ताले लगे हुए हैं।